नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का आप लोग का एक क्लास बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा क्लास जो आप लोग का एक एक्स वाई जेड वाला जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया है। ये आप लोग का एक नेक्स्ट जो पैटर्न है जो कि आप लोग का काफ़ी देखने मिलता है एसएससी का और रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो इसमें आप लोग को क्या होता है कि आप लोग को एक सीरीज़ दे देता है जिसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा, नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स को मिला के हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर। मतलब कैरेक्टर के अंदर आप लोग को नंबर्स भी आएंगे, लेटर्स भी आएंगे, सिंबल्स भी आएंगे, ठीक है। ये तीनों के तीनों आप लोग को नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स, कैरेक्टर में आते हैं। तो ये कैरेक्टर्स का जो आप लोग का एक सीरीज दे देगा उसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन बोलेगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बोलेगा, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द अबव। ऊपर का जो सीरीज़ है उसमें आप लोगों के नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आप लोगों क्या होते हैं, एक, तीन, जो कि आप लोगों के दो से नहीं कटता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, और जो दो से कटता है वो बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। ऑड मतलब आप लोगों का होता है विषम और आप लोगों का इवन मतलब होता है सम। तो ऑड मतलब आप लोगों का क्या क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को ऑड कौन सा, सात दिख रहे हैं और नौ दिख रहे हैं, तीन ऑड नंबर दिख गए। तो आप लोगों को ऑड नंबर पूछा तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर इसी के बदले अगर इसको ऑड को मिटा के इवन कर देगा, यहाँ क्या कर देगा, ये कर दिया इवन, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बोल दिया। तो इवन नंबर्स कितने गिन लो आप लोग, इवन नंबर्स एक, दो और दो ही है। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, तीन से बदल के दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब बोलते हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स पूछ दिया अगर ये, तो आप लोग लेटर्स गिनने चालू कर दोगे, यहाँ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ लेटर्स हो जाएंगे आपके, तो नौ आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछ सकता है आप लोग का ये नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का हो सकता है नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स कितने पूछेगा, तो नंबर ऑफ सिंबल्स एक, दो, तीन, चार, चार नंबर ऑफ सिंबल्स हो गए। और पूछ सकते हैं नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, तो वोवल्स आप लोग को पता होना चाहिए, पांच वोवल होते हैं आप लोग के, वोवल को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वर, और जो बचे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसोनेंट, और कंसोनेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। तो स्वर आप लोग के कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है आप लोग के पाँच, ये आप लोग के होते हैं वोवल्स। तो इसमें बोल सकते हैं हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द अबव सीरीज, तो वोवल्स कितने हो जाएंगे, एक और कुछ दिख रहे हैं, दो, दो दिख गए, तो नंबर ऑफ वोवल्स दो हो गए। ऐसे आप लोग के पहला पैटर्न आप लोग का ये रहेगा सिंपल सा कि नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, इवन नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं, पहला तो पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न आप लोगों को बोलेगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन एट द रेट एन टी, मतलब बोलेगा दो चीज़ दे देगा, दो कैरेक्टर दे देगा, उसके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ नंबर्स पूछ सकता है या नंबर ऑफ सिंबल्स पूछ सकता है। तो यहाँ आप लोगों को नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स आर बोल दिया, हाउ मेनी नंबर्स कितने सारे नंबर्स हैं जो कि आप लोग के एट द रेट और टी, मतलब सबसे पहले आप लोग एट द रेट पकड़ लो और टी पकड़ लो, ये टी, इसके बीच में नंबर्स कितने हैं ये पूछ रहे हैं। तो नंबर्स देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एक नंबर मिला, दो नंबर मिला, तीन नंबर मिल गया, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा इसका, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा तीन। देखिए टी हो गया ये, एट द रेट हो गया, बीच में आप लोग का नंबर एक, दो, तीन, तीन नंबर मिल गए, तो इसके बीच में आप लोग का तीन हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है, बीच में आप लोग को नंबर ऑफ सिंबल्स बोल दिया, तो एक, दो, तीन, तीन आप लोग नंबर ऑफ सिंबल्स हो गए। लेटर्स पूछेगा लेटर्स गिन लो आप लोग, वोवल्स पूछेगा वोवल्स गिन लो आप लोग, ये हो गया आप लोग का पैटर्न नंबर टू। तीसरा बोल सकते हैं विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड हैश, मतलब इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पी पकड़ो और हैश पकड़ो, ये हैश है और ये पी है, इसके बीच का एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा लेटर है ये पूछ रहा है, कौन सा कैरेक्टर है, एग्जैक्टली कैरेक्टर जो है उसके बीच में कौन सा है, मतलब कैरेक्टर में आप लोग का सिंबल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एग्जैक्टली मिडिल भी कौन सा है। तो बीच में आप लोग को टोटल कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात है। तो सात में अगर देखें तीन इधर, तीन इधर, एक बीच में होगा, तो एक बीच में होगा, तीन और ये आठ, तो ये आठ हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आठ। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ सिंबल कितने, इवन नंबर कितने, ऑड नंबर कितने, वोवल्स कितने, कंसोनेंट कितने, कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा आप लोग को पूछ सकते हैं कि कितने सारे नंबर से इन दोनों के बीच में है, या कितने सारे सिंबल्स से इन दोनों के बीच में है, और तीसरा बोल सकते हैं एकदम एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा आप लोग का इन दोनों के बीच में, या कोई भी दो के बीच में आप लोग का एग्जैक्टली मिडिल जो कैरेक्टर है वो पूछ सकता है।
तो ये कुछ आप लोग के इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग को एक सीरीज दे देगा और आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आप लोग के रेलवे और एसएससी में बनते हैं। बैंकिंग में थोड़ा हाई लेवल के आता है, जैसे कि पूछ दिया उसमें कि ऐसे कितने सारे नंबर हैं जिसके पहले सिंबल और उसके बाद में आप लोग के लेटर्स आते हैं। तो हम लोग अभी बैंकिंग का नहीं देख रहे, हम लोग अभी रेलवे का देख रहे हैं। तो रेलवे में आप लोग को इतने ही सारे मिलेंगे पैटर्न्स, ज़्यादा मुश्किल आप लोग को उसमें पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आगे के आप लोग के क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आगे के वीडियोज़ को आप लोग उसमें एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।